नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक के इस प्रोग्राम में फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कॉर्न यानी गुखरू, जो पैर में गुखरू पड़ जाते हैं, कॉर्न को ठीक करने की 6 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, या यूँ कहें आपको एजुकेट करेंगे, क्योंकि यह प्रोग्राम साथियों एजुकेशन और होम्योपैथी के बढ़ाने के पर्पज से है। जो इसमें दवाएँ बताई जा रही हैं वो आप बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, कुशल चिकित्सक से पूछकर ही इन दवाओं को लें। साथियों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कॉर्न होता क्या है। कॉर्न साथियों, हम लोग के पैर के नीचे पे थिकनिंग ऑफ स्किन हो जाती है, वहाँ पे स्किन मोटी हो जाती है जब बार बार एक पॉइंट पे प्रेशर पड़ता है। जब भी हम लोग कोई टाइट चप्पल पहनते हैं या टाइट शूज़ पहनते हैं और वो पैर के एक पॉइंट पे, सोल पे, फुट के खास तौर से कॉर्न होता है, या जब आप कार ड्राइव करते हैं, पावर स्टीयरिंग नहीं होता तो यहाँ कॉर्न होता है। तो यह कॉर्न जब उस पॉइंट पे बार बार प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पे बॉडी जो है उस जगह को मान के कि यहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है, स्किन को थिक करने की एक टेंडेंसी पैदा कर देता है। जब स्किन वहाँ पे थिक हो जाती है, काफ़ी थिक हो जाती है, तो वह कॉर्न को जन्म देती है। साथियों, इसके कॉजेस, कॉज इसका जो है आपका टाइट चप्पल पहनना, बार बार एक पॉइंट पे प्रेस होना, फ्रिक्शन होना, रगड़ खाना, प्रेशर पड़ना, यही सब इसके कॉज हैं। अब वो चाहे किसी चीज़ से हो, लेकिन जब किसी पॉइंट पे प्रेशर पड़ता है तो वहाँ ही कॉर्न का कॉज होता है। अब साथियों आ जाते हैं, कॉर्न हो गया है तो इसको दूर करने के लिए आप घर पे क्या कर सकते हैं, दवा कर सकते हैं। साथियों, दवा जो पहली दवा है, जब कॉर्न अगर पैर में हो गया है, और सबसे कॉमन दवा जो है वह एंटीम क्रूड। अगर आपके पैर के फुट में कॉर्न है और वह चुभन पैदा कर रहा है तो आप एंटीक्रूड 30 दो बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम ले लें, आपके जो है इस कॉर्न से आपको निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। फिर साथियों, एक दूसरी स्थिति आती है जब आपके कॉर्न बन रहा है, वो हल्का सा पकने की टेंडेंसी है, कॉर्न बार बार पक रहा है, उस पर सपुरेशन हो रहा है। तो यदि कॉर्न में आपके पकने की टेंडेंसी हो साथियों, तो आपके लिए दवा है साइलिसिया। साइलिसिया 200 जो है वह आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम यदि ले लेते हैं 2 महीने तक, तो आपके जो बार बार कॉर्न बन रहे हैं, वो जो पकने की टेंडेंसी है, वह पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। साइलिसिया के कॉर्न काफ़ी चुभन पैदा होता है और नीडल टाइप सेंसेशन पैदा करता है। फिर साथियों, एक स्थिति आती है कि आपका कॉर्न पूरी तरह पक गया है, उसमें घाव बन गया है, उस पर मवाद बहने लगा है। अगर यह स्थिति साथियों आ जाए तो इसकी बहुत अच्छी दवा हिपरसल्फ है। आप हिपरसल्फ 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार महीने भर तक ले लें, आपका कॉर्न बहुत जल्दी सूख जाएगा, उसमें जो चुभन गड़न हो रही है वह ख़त्म हो जाएगी। फिर साथियों, एक और स्थिति आती है जब आपके कॉर्न में क्रैक्स भी आने लगे, कॉर्न बना उसमें क्रैक्स भी आने लगे। अगर यह स्थिति आ जाए कि कॉर्न बन रहा है, पैर में गुखरू हो रहा है, वहाँ पे चुभन हो रही, दर्द हो रहा है, स्टिंगिंग टाइप पेन हो रहा है और क्रैक्स आने लगे हैं साथियों, तो इसकी बहुत अच्छी दवा है नाइट्रिक एसिड, यानी एसिड नाइट्रिकम। आप एसिड नाइट्रिकम 200 पावर में हर हफ्ते 3 खुराक 5-5 मिनट पे यदि ले लेंगे, तो आपके जो क्रैक्स वाले, फिजर वाले कॉर्न हैं, गहरे गड्ढे वाले कॉर्न हैं, यह ख़त्म हो जाएंगे और आप इससे निजात पा जाएंगे। साथियों, एक और जो कॉर्न की बहुत अच्छी दवा है, जिस समय कॉर्न बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाए और उसमें सूजन आने लगे, वो फूल जाए, जब यह स्थिति आ जाए साथियों, तो इसकी बहुत अच्छी दवा है रेनिनकुलस बल्बोसस। रेनिनकुलस बल्बोसस 30 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, तो आपके जो ये सूजन वाले कॉर्न हैं, फूले हुए कॉर्न हैं, यह पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे। यह साथियों कुछ दवाएँ थी आपके लिए कॉर्न के विषय में। मैं फिर कहूँगा कि यह आपके एजुकेशन पर्पस का प्रोग्राम है, बिना कुशल चिकित्सक से पूछे कोई भी दवा ना ले, क्योंकि होम्योपैथी में पर्सन टू पर्सन सिम्टम फ़र्क हो सकते हैं, मेडिसिन फ़र्क हो सकती हैं, पोटेंसी फ़र्क हो सकती है। अगर साथियों आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको यह कंसेप्ट पसंद आया हो, ये जो एजुकेशन का कंसेप्ट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल बटन दबा दीजिए, ताकि हम लोग कोई भी जब वीडियो डालें तो वह आपके सामने आ सके और आप उससे लाभ पा सकें। धन्यवाद।